इंसान की शर्मगाह। जिस्म का वो हिस्सा होता है जो इंसान जमाने से छुपाता है और वो आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी का दरवाजा होता है। तभी इल्मे जफर में जिस भी इंसान की शर्मगाह पे तिल हो तो ऐसा इंसान ख्वाहिशों का गुलाम या मोहब्बत के हवाले से दर्द देखता है। तभी जिस भी मर्द या औरत की शर्मगाह के आसपास स्याह किस्म का तिल हो तो वो कोशिश करके अपने आप को एहसासात में मुबतला ना करें, अपने फैसलों को दिल से न किया करें, क्योंकि ये इस बात की अलामत होती है कि वो किसी का दर्द नहीं देख पाएंगे और रहम एहसास हमदर्दी में आकर अपना नुकसान खरीदेंगे। ऐसा इंसान कोशिश करके जब भी कोई बड़ा फैसला करे तो 3 मर्तबा सूरह नसर पढ़ के उसके बाद कदम उठाए, इंशाल्लाह वो फतेह कामयाबी देखेगा। और ऐसे इंसान को चाहिए कि वो कुछ देर जमीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लिया करे ताकि वो हाजिर दिमाग रहे और लॉजिक के साथ फैसले करने की कुव्वत उसके वजूद में बढ़े। ऐसे इंसान कोशिश करके शादी करते वक्त या भरोसा करते वक्त सिर्फ दिल की न सुने बल्कि दिमाग की सुने और अपने बुजुर्गों से मशवरा करें, इंशाल्लाह वो तमाम नुकसान से दूर होंगे। लेकिन जिस इंसान की शर्मगाह के आसपास दिल नहीं होता तो ऐसा इंसान जहीन हाजिर दिमाग और दिमागी फैसले करके अपनी फतेह कामयाबी हासिल करता है। ऐसे इंसान मुसीबतों परेशानियों में गिरते तो हैं लेकिन वो अपने हुनर से निकल जाते हैं। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पढ़े, इंशाल्लाह तादेर कामयाबी उनके साथ साथ होगी।